क्वेश्चन नंबर वन मिस्टर सीताराम वॉज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी विच इज नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट अब जब हम ग्रेचुटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फार्मूला नॉट कवर्ड वाला लगेगा नॉट कवर्ड वाले में क्या फार्मूला होता है सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी एवरेज दस महीने की प्लस डी रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स फिर लिस्ट ऑफ़ द फॉलोइंग विल एग्जेम्ड हाफ इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर ऑफ सर्विस और राउंड ऑफ नहीं करेंगे फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और बीस लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट फिर टैक्सेबल ग्रेचुअटी एक्चुअल ग्रेचुअटी माइनस इन तीनों में जो भी लीस्ट होगा तो ग्रेचुअटी के केस में आपको बस देखना है कि कवर्ड लिखा है कि नॉट कवर्ड लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिगार्डिंग हिस्स इनकम फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सैलरी फोर्टी सेवन थाउजेंड पर मंथ टेक्सेबल डी एन एस अलावेंस थ्री थाउजेंड पर मंथ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर दर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि डी ए रिटायरमेंट पे रिसीव फ्रॉम सर्विस ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आफ्टर थर्टी टू ईयस एंड रिसीव द पेंशन ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ एंड ग्रेचुअटी ऑफ एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड ग्रेचुअटी तो जो हमने अभी कैलकुलेशन बताया वैसे होगा अब ये बोल रहे हैं कि ये रिटायर हो रहे हैं फर्स्ट जनवरी 2022 को तो इससे ध्यान रखना होगा कि सैलरी केवल नौ महीने की कैलकुलेशन होगी क्योंकि ये एक जनवरी को रिटायर हो जा रहे हैं तो जनवरी फेबर मार्च इनको पेंशन मिला होगा तो फोर्टी सेवन ट्वर्टी सेवन थाउजेंड इंटू नाइन सैलरी करेंगे और केवल तीन महीने का पेंशन निकालेंगे क्योंकि पेंशन तो अगर ऐसे दिया है तो टैक्सेबल होता है ही ऑल्सो रिसिव्ड फोर लाख फ्रॉम द अन प्रोविडेंट फंड ऑफ विच ही वॉज अ मेंबर जब रिटायरमेंट के समय अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा मिलता है तो उसका हम हाफ ले लेते हैं तो यहाँ पे टू लाख रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा कंप्यूट द टैक्सिबल इनकम अंड सैलरीज ऑफ मिस्टर सीताराम फॉर देंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अज्यूमिंग दैट सैलरी एंड पेंशन इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ तो इसमें हमको टैक्सीबल सैलरीज कैलकुलेट करना है और पेंशन उसी महीने की आखिरी आखिरी दिन को मिल जा रहा है पेंशन और सैलरी इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले आप ये चीज़ में बना लोगे कि, कि वो कब रिटायर हुए हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च और वो रिटायर हुए हैं फर्स्ट जनवरी 2022 को यहाँ वो रिटायर हो गए हैं उन्होंने 32 टू सर्विस किया है तो जब यहां रिटायर हो गए हैं वो तो इनको जो क्योंकि हम यहां केवल 2021 और 22 का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहां पे ये यह नौ महीने का सैलरी और तीन महीने की इनको पेंशन मिली होगी अब कंप्यूटेशन फॉर्मेट बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज फॉर the ईयर year 2022-2023. सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे सैलरी तो सैलरी केवल नौ महीने की 47,000 रुपीस थाउजेंड रुपीज़ नाइन या गया फोर लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ सैलरी के बाद आप पेंशन लोगे अच्छा इसमें हम वैसे चलते हैं जैसे क्वेश्चन भी भेगी मैंने तो सबसे फिर डी एन एस अलाउेंस दे रखा है तो डी एन एस अलावेंस रिटायरमेंट पे है तो फुल्ली यहाँ पे टैक्सेबल होता है तो तीन हज़ार रुपये पर मंथ और ध्यान रखना है डी एन एस अलावेंस भी तभी तक मिला होगा जब तक वो उस, उसमें आ, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे तो वो जनवरी में तो रिटायर हो चुके हैं तो केवल नौ महीने का ही डी एन एस अलावेंस भी मिलेगा थ्री थाउजेंड इंटू नाइन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ उसके बाद ये रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस लिखा हुआ है और पेंशन दिया हुआ है तो पेंशन यहाँ पे केवल तीन महीने की क्योंकि जनवरी में एक जनवरी को रिटायर हो गए तो जनवरी फरवरी मार्च पच्चीस हजार रुपये इंटू थ्री ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ पेंशन के बाद ग्रेचुईटी दे रखा है और ये नॉट कवर्ड वाली कंडीशन है तो इसमें हम पहले कैलकुलेशन करेंगे तो ग्रेचुईटी कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें सबसे पहले नॉट कवर्ड या कवर्ड जो भी है उसमें सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी यहाँ हम लेते हैं एवरेज ऑफ टेन मंथ्स प्लस डी अगर रिटायरमेंट पे है तो लेंगे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स तो बेसिक सैलरी एवरेज दस महीने की तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 47,000 सेवन थाउजेंड है तो 47,000 सेवन थाउजेंड इंटू टेन कर देंगे तो फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड आ जाएगा फिर उसका उसको टेन से डिवाइड करेंगे जब तो 47,000 सेवन थाउजेंडी आएगा क्योंकि इसमें सैलरी चेंज भी नहीं हुई थी 47,000 सेवन थाउजेंड इंटू टेन फिर उसका उसको डिवाइड कर देंगे फोर्टी टेन uh, से क्योंकि एवरेज निकालना था फिर डी ए रिटायरमेंट पे तो रिटायरमेंट पे दिया हुआ है आपका थ्री थाउजेंड रुपीज़ यहाँ थ्री थाउजेंड ले लेंगे क्योंकि यहाँ बस हम एवरेज ले रहे हैं तो थ्री थाउजेंड इंटू टेन अपॉइंटमेंट ये भी कर देंगे तो थ्री थ्री थाउजेंड ही आएगा तो डियरनेस पे है नहीं और कमीशन ऑन सेल्स है नहीं इसको ऐड कर देंगे सैलरी आ गई फिफ्टी थाउजेंड रुपीज उसके बाद लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेप्ट सबसे पहले इसमें लेते हैं हम हाफ इंटू सैलरी जो है ये तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ सर्विस नॉट राउंड ऑफ जो जैसे तो यहाँ पे तो डायरेक्टली थर्टी टू ईयर्स दिया ही हुआ है तो थर्टी टू यहाँ पे ले लेंगे इसको पहले कर देंगे तो फिफ्टी थाउजेंड टू यह आ गया एट लाख रुपीज़ उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आएगा इसके एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेचुटी एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज फिर थर्ड ट्वेंटी लाख रुपीज मैक्सिमम लिमिट होता है तो ट्वेंटी लाख रुपीस ये लिख देंगे सीधे मैक्सिमम लिमिट और इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट है यानी कि ये तो ये एक्जेंट हो जाएगा तो आपका टैक्सेबल ग्रैचुटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल माइनस लीस्ट तो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव था ग्रेचुईटी का वो है एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और लीस्ट है सबसे एट लाख रुपीज तो ये आ गया ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज टैक्सेबल ग्रेचुटी ट्वेंटी तो थाउजेंड रुपीज ग्रेचुटी के बाद क्वेश्चन में दिया है अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड तो ये हम फिफ्टी परसेंट ले लेते हैं चार लाख रुपए है तो चार लाख का आधा ये आ जाएगा टू लाख रुपीस और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा इन सबको ऐड कर देंगे ये आ जाएगा सेवन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी फिर इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन सिक्सटीन तो इसमें बस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स्ड होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ये फिक्स है आपका फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सॉल्व कर देंगे ये आ जाएगा सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ ये टैक्सेबल सैलरी होगी